हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ अवंतिका मिश्रा। उसमें बात करते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें ऐसी कौन सी चीज़ अपने छोटे बच्चे को खिलाना चाहिए जिससे कि उसको सर्दी जुकाम खांसी बुखार जैसी कोई भी समस्या हो ही ना। और ये जो मेरा आज का टिप है वो आपके 6 महीने से ऊपर के बच्चे के लिए है। 6 महीने से ऊपर के बच्चे के साथ में 2-3 साल तक के बच्चे, जो भी बड़े बच्चे हैं उनको भी आप ये सब चीज़ें दे सकते हैं जिससे कि उनको सर्दी जुकाम खांसी बुखार होगा ही नहीं, जड़ से दूर हो जाएगा। और पहले से जब आप उनको ये चीज़ खिलाएंगे तो उनको ऐसी कोई समस्या होने ही नहीं पाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और जल्दी से हम आपको बताते हैं कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अपने बच्चे को खिलाना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी जो पहली टिप है वो आपके लिए है बादाम का। आपको पानी में बादाम रात को भिगा करके रख देना है। 2 से 3 बादाम आप रात को पानी में भिगा करके रख दीजिए। और अगर आपका 6 महीने का बच्चा है तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ आधी बादाम घिस करके सुबह आप उसको बादाम छील लीजिए और उसको घिस करके और जो बादाम का पेस्ट है उसको दूध में मिला करके, अगर वो माँ का दूध पीता है तो उस दूध में मिला करके दे दीजिए, और अगर वो ऊपर का दूध पी लेता है तो उसको ऊपर का जो भी दूध आप देते हैं उसमें मिला करके और आधी बादाम का पेस्ट उसको मिला करके दे दीजिए सुबह और शाम दोनों टाइम। मतलब आपको एक बादाम बच्चे को एक दिन में देना है। और अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है, जैसे 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने का है या इससे भी बड़ा है, तो आप उसको एक बादाम सुबह और एक बादाम शाम को घिस करके और दूध में जो भी वो दूध पीता है उसमें मिला करके आप बच्चे को ज़रूर दीजिए, जिससे कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, उसका जो ब्रेन पावर है वो भी बढ़ेगा। और इसके साथ में आपके बच्चे की जो भी सर्दी जुकाम बुखार खांसी अगर आपके बच्चे को हो जाता है जल्दी जल्दी तो वो भी नहीं होगा। और सर्दियों भर अगर आप इसको ये देंगे बच्चे को तो आपके बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो दूसरा चीज़ है वो क्या है। दोस्तों, जो दूसरी चीज़ है वो है जायफल। जी हाँ दोस्तों, आपको मार्केट से जायफल का पाउडर मंगा करके रख लीजिए या फिर आप जायफल ले लीजिए और जायफल का पाउडर घर पर ही उसको पीस करके जायफल का पाउडर निकाल बना करके रख लीजिए। और आपको जो मतलब बच्चे को 1 चम्मच शहद लेना है, और 1 चम्मच शहद में आपको, अगर आपका 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने से 10 महीने तक का बच्चा है आपका, तो आप उसको 1 चुटकी के बराबर जायफल पाउडर उसमें मिला लीजिए शहद में, 1 चम्मच शहद में, और अपने बच्चे को चटा दीजिए। इसके अलावा अगर आपका बच्चा 10 महीने से 12 महीने से ऊपर का है, बड़ा बच्चा है, तो आप उसको ये जायफल का जो पाउडर है ये 2 चुटकी के बराबर जायफल का पाउडर शहद में मिला करके, 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद जैसा अगर आपका बच्चा खाए तो आप उसको उसमें मिला करके और दे दीजिए, जिससे कि आपके बच्चे को पूरी ठंडी बीत जाएगी लेकिन आपके बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी, उसको कोई समस्या नहीं होने पाएगी। और इसके साथ में जायफल जो होता है वो गर्म होता है तो बॉडी को हमारी गर्म भी रखता है, जिससे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी मतलब लगेगी ही नहीं, उसको ऐसी कोई समस्याएं होंगी ही नहीं। दोस्तों, तीसरी जो चीज़ है वो है तुलसी की पत्ती का रस। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है और अभी मैं फिर बता रही हूँ कि तुलसी की पत्ती का रस आपके बच्चे के लिए रामबाण औषधि है। आपके बच्चे को अगर सर्दी जुकाम बुखार की समस्या है तो भी, और अगर नहीं भी है तो भी, आप अपने बच्चे को, जो भी आपका बच्चा दूध पीता है, आप उस दूध में आप 2 से 3 बूंद तक तुलसी की पत्ती का रस, मतलब छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए, और अगर बड़े बच्चे हैं, 6 महीने से ऊपर का बच्चा है, तो 5 से 6 बूंद आप तुलसी की पत्ती का रस दूध में मिला करके आप अपने बच्चे को दे दीजिए। और अगर मतलब ज़्यादा बड़ा बच्चा है तो आप उसमें 8 से 10 बूंद तक तुलसी की पत्ती का रस दे सकते हैं अपने बच्चे को। आप चाहे तो दूध में दे सकते हैं या फिर आप शहद के साथ भी दे सकते हैं बड़े बच्चों को, क्योंकि 6 महीने से छोटे बच्चों को मतलब शहद देना डॉक्टर की तरफ से मना होता है, नहीं कहते हैं डॉक्टर्स की शहद दिया जाए, लेकिन वैसे हम लोग के पुराने टाइम के लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि शहद देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्योंकि मैंने भी अपने बच्चे को दिया है तो मैं आपको भी बोलूँगी कि आप अगर चाहें तो आप दे सकते हैं, और अगर आपका मन नहीं कहता है तो आप बिल्कुल भी मत दीजिए। दोस्तों, चलिए बताती हूँ आपको चौथा कौन सा टिप है। तो चौथी जो चीज़ है वो है दोस्तों लहसुन। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आपको उसको जो भी मतलब खाने में देते हैं, वैसे 6 महीने से ऊपर के बच्चों को भी खाना दिया जाता है, दलिया खिचड़ी वगैरह बच्चों को देते हैं, दाल का पानी वगैरह देते हैं, तो आप उसमें 1 लहसुन की कली जरूर डालिए। लहसुन आप अपने बच्चे को सर्दी में ज़रूर दीजिए, लहसुन बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और अगर कोई मतलब उनको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगा तो उससे भी उनको दूर करेगा, इसलिए आप अपने बच्चे को खाने में लहसुन ज़रूर खिलाइए।
जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, और सर्दियों में तो ये रामबाण औषधि की तरह होता है। तो आपको अपने दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि आपको हल्दी वाला दूध अपने बच्चे को ज़रूर देना चाहिए। हल्दी वाला दूध बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपके बच्चे को अगर आप हल्दी वाला दूध देंगे तो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा उसके लिए, इम्यूनिटी आपके बच्चे की वीक नहीं रहेगी और बच्चे को अच्छा मतलब पोषण भी मिलेगा, और साथ में आपके बच्चे को अगर कोई मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह की समस्या है तो वो भी नहीं होगी। तो आप अपने बच्चे को हल्दी वाला दूध ज़रूर दीजिए। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए और भी लेकर के आती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।